तो मैं तेरे से पहले आ जाओ मामी सा। तो ये प्रीति जा रही है रानी जी के पास। नाश्ता ले ले जल्दी सी, देसी देसी तरीका हूँ खावे, दही का सागर कचौरी। ये पिनडू है, ये पिनडू। यश्विनी आपको भी खानी है? ले ले चटनी, चटनी इसके अंदर ही है, इसको तोड़ो आप। तो मैंने भी मेरा समोसा ले लिया है, मैं कचौरी नहीं खाती, मुझे समोसा ज्यादा पसंद है। गुड मॉर्निंग कर खुशबू। यहाँ पे मेरे मामी साहब जो जलेबी के प्रेमी है, समोसा नीचे है, नहीं ऐसे बोल रहे, मेरे को पता क्या बोल रहे कि सुन भाई सा, गांव जैसी जलेबी जयपुर में नहीं मिलती, इनको मीठा मिलता है, इनको मीठा खाना होता है मामी साहब। मीठे में लेना जलेबी अच्छी है। हाँ नहीं क्या है ना, जयपुर में इन्हें जलेबी अच्छी नहीं मिलती सोनू भाई साहब, जयपुर में भी इतनी खाती। चिराना से निकल के जयपुर जाने का, और मैंने पैकिंग वगैरह मेरी सारी कंप्लीट कर ली है। मम्मी ने लहसुन डाला है, वो भी मैंने डाल दिया है डिगी में। ऋषभ के पापा कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ मुझे ही करना पड़ता सारा काम। तो डिगी में मेरा पूरा सामान हो चुका है, और ये हमारे रानी जी आए। देखो कितना कितने आशीर्वाद देते हो आप, है थोड़ा जोर हो आशीर्वाद दो। जो माए माता बस रिजियो 36 करोड़ दे देता, गुरुमानी माता मेरी वैसाखी जोड़ी उम्र रिजियो, हर जो माए माता बस रिजियो, हर भगवान सुख जो भाई है। एक बच्चो हो जो 21 हो जो हाँ, एक बच्चो 21 हो जो, मतलब पीढ़ी बहुत ज्यादा चल जो। ओके तो आशीर्वाद दिए मम्मी है, मम्मी कर रही है। यहाँ पे हमारा थाल लग चुका है, और सबसे पहले पप्पू मामा आके बैठे हैं। है बाबा, तो क्या क्या बनाया आज मेस में? सांगरी की सब्जी, टपोरिया, ये फिर से सांगरी की सब्जी। खुशबू ऐसे बोल रही है अगर ऐसा खाना हो तो मैं डेली आके खाऊं। और ये गोभी की सब्जी बनी है, रायता बना दिया, दही बना दिया, और ये मामी सा को मत दिखाना, मामी सा सागे ही मना बिठा जो। मामी सा टूट के पड़ेगा नहीं तो, ये अचार। तो अब चलो चेप्पा, कौन कौन आ रहे हैं? ये मेरे पप्पू मम्मी जेब बनाए, चालू कराएंगे। अरे खुशबू आ जा, खुशबू आ जाओ, आ जा खुशबू रानी। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, नहीं खाना नहीं मिलेगा दोबारा, आ जा। हाँ ओ भाभी आ जा, तो मैं तेरे से पहले आ जाओ मामी सा। मामी सन तो मन बेरो है खट्टा, टूट पड़सी बीच में, टूट पड़सी कालजा पर पड़सी थाली का। नहीं नहीं ये दिखाऊंगी अब थाली से, बबुआ थाली का कालजा के ऊपर पड़सी। आ जाओ थे भी, सीधा सीधा कोनी हो आटा है, आटा कहीं जगह पड़ी है। अच्छा जो ईशा हो गई है रेडी कहाँ जाने के लिए? ये बेबी है, दोनों दोनों खेल लो। तो मेरा लहसुन भी पैक हो गया है, मैंने लिमिटेड लहसुन ही लिया क्योंकि फिर मेरे क्या जल जाता है, तो इस चक्कर में मैंने कम ही लिया। मम्मी को बोला कि कम ही डालो आप। और बैग मेरा पैक हो चुका है, बस इसकी चेन वगैरह बंद करनी है मुझे। अटैची लेके जाएगी, अटैची नहीं ये तेरे जिस्सा है ना, देख कैसे। अब जाओगे ना? ऐसे। हाँ यश्विनी ऐसे। हाँ जल्दी पैकिंग कर रहे हैं, हमारी पैकिंग कंप्लीट हो गई है, और डिग्गी में मैंने सामान वगैरह भी डाल दिया है। वैसे तो मैंने पहले भी डाल दिया था। क्या डाल दिया? यहाँ पे पानी डाल दिया इसमें, पूछो इसको। अरे दीदी, ओ दीदी आ जाओ। ये मत है रानी जी, Okay.
जा रही है रानी जी के पास। ईशा की स्लीपर उसको देख के आते हैं। किशु ये आपकी स्लीपर, बाय किशा। रात को मैं मेहंदी नहीं लगा पाई, उसके पीछे रीजन ये था, मैं और मामी साहब देर रात तक हम बातें कर रहे थे, बातें करते करते ऐसी नींद आई कि पता ही नहीं चला कि अब सुबह हो गई, और अब जाके मैं मेहंदी लगा रही हूँ। केड़ा लेना है? पहली तो लगाई जो कोनी तेरा तो हमारे रानी जी है ना सगा जी का और सगी जी का गाना गा रहे हैं। मम्मीया कह रही है कि ए थाले ले जा दो, एक बन्ना की और एक थारी। सुनो मम्मीया कह रही है थाले ले जा, बर्तन साफ करना कौन पड़े ज्यादा थानी में गाल बोकर। तीन सब्जी एक राय तो क्यों हॉस्टल में ही है, अब हॉस्टल ही है वो घर। मम्मी गाल रही है मम्मी कह रही है कहेंगे नहीं नहीं नो नेवर हॉस्टल में खाया करता, हॉस्टल ही है तो आप लोग घर भी ले चलेंगे। इमे गालूंगी मैं तो थान के कारण अच्छा बोला गया यार, अच्छा लगे यहाँ। हमारे ऋषभ के पापा बिल्कुल भी रेडी नहीं है इस थाली के लिए, तो मम्मा को मना कर देती हूँ। मम्मी ये बस बात ना पर अंदर दही ज्यादा खाऊं सब्जी ज्यादा खाऊं आया तो चिंचिनी कटोरी हॉस्टल में खाया करता है यानी। दिखा तो दी अब तो मम्मी की, अब तो दिखा मत तू, मैं दिखा तो दी। एक ये मैं ज्यादा क्वांटिटी में खाऊं जो भी सब्जी है रायतो है दही है। तो मेहंदी हमारी रच गई, ये देखो ये दूसरे हाथ में। तो मैं और ऋषभ के पापा जा रहे हैं ब्रह्माणी माता के, ऋषभ के पापा ने ऐसे बोला कि अपन है ना ब्रह्माणी माता के जाके आएंगे। जब मैं कल गई थी तब तो नहीं गए थे आप? हाँ तो हम जा रहे हैं गाड़ी से, ये देखो रास्ता देखो। दादा ने ये पगडंडी तो अच्छी बना दी, पानी खराब हो गई। हाँ बारिश की वजह से थोड़ी सी रोड खराब हो गई, नहीं तो एकदम सही रास्ता था। और वैसे हरियाली भी आ गई ना बारिश की वजह से। तो ब्रह्माणी माता के जाएंगे और 11:45 हो रहा था तब मम्मी ने ऐसे बोला कि ना 11:45 पे सीख नहीं देते, 12:15 पे अपन ने सीख दे देंगे, तो 10 का हमारा है ब्रह्माणी माता। यार लॉक लग रहा है, अच्छा तो फिर खोलेगा कौन? बाहर से ही धोख देना पड़ेगा, ब्रह्माणी माता जी के लोग लग रहे हैं। नहीं मेरा टाइम तो खुल रही था, ऊपर मत जाओ। हाँ ठीक हलाता हलाता कितने सांस ही भरा दियो। तो बाहर से ही धोख दे के आएंगे क्योंकि जो मंदिर है उसके लोग लग रहा है इस टाइम, दाता हुकुम नहीं रहते, शाम तक शाम को रहते हैं ज़्यादातर जब है ना वो पूजा वगैरह होती है ना। ब्रह्माणी माता जी का मंदिर ऋषिड़ा पापा बिल्कुल भी घूम रहे हुए आया भी ना, 2-3 चक्कर जरूर लगावे, बहुत इच्छा पूरी करते हैं ब्रह्माणी माता जी है ना। चलो तो मन लगा यार आज भी बारिश आओगी, बादल हो रही है ब्लैक वाला बोल रही है ना, बाहर से धोख दे लेंगे। तो नीचे नहीं रखे कर रही आप तो यहां से आपको मैं पूरा चिराना दिखाती हूँ। देखो ये पहाड़ियों के बीच में है हमारा गांव, बहुत ही प्यारा लग रहा है आपको, मैंने काफ़ी व्लॉग में दिखा भी दिया है। अब इसको छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा, बट ऋषभ के पापा लेके जाएंगे क्या ही करें, जाना तो वैसे भी पड़ेगा ही, ऋषभ के पापा तो क्या ही लेके जाएंगे।
चले। बिया थे अठीला आपने जो पुराना मंदिर है ना अठे रख सका आप इसा मंदिर पे। चलो तो आप घर पे जाके थली पूजा करेंगे, थली पूजा के बाद में तिलक वगैरह करवाएंगे ऋषभ के पापा का और मेरा भी साथ ही साथ। फिर उसके बाद में हम निकलने वाले हैं बस 15-20 मिनट के अंदर अंदर। भैरू जी की भी चल के आएंगे। चलो मतलब माता जी का अगर थे जा रहा हो और भैरू जी का नहीं जाओ ने तो माता जी माननी बनी। आई बात समझ में? समझाना पता है पड़ता है मेरे पति देव को। सन भैरो के आए थे तो यही जा रहे आज ना। अच्छा भैरो हो गए थान ठीक है। तो ऋषभ का पापा के सन भैरो है दोग दे लो। मेरे भी तिलक लगाना। हे भगवान ऋषभ का पापा की इच्छा पूरी कर दीजिए। आगे पूरी उसी तो मेरी मत जैसे। धूप आ गई अचानक। क्या तिलक देखो क्या निकाले हो थे मेरे। चलो तो यहाँ पे लगी है हमारी गाड़ी। चला पापा गाड़ी चढ़ा ही लिया है क्या। अच्छा पीछे बाहर से बताऊं क्या मेरा माइंड मना गाल दीजिए। हाँ मम्मी को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा पता है, क्योंकि यार माँ तो माई होती है। खाना बना के देती थी मुझे 8 दिन तक, मैंने कुछ नहीं किया काम। अब वहाँ जाके मुझे पता नहीं कैसे घर मिलेगा। तो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्किंग में लगाई है क्योंकि ऊपर जाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा निकालने में। तो ऋषभ के पापा ने ऐसे बोला कि यहीं पे पार्किंग कर देते हैं। किचुला हमारे आ गया। देखो बच्चे कितने प्यारे हैं। हाँ यशु मारता है ये। स्लीपर कहाँ गई आपकी? चलो आज का नाम इनके कहाँ पे चलो आप चलते हैं घर पे। इशिका तू तो आजा। ये देख सकते हो जिज्जा को 1100 रुपए मिले लेकिन जिज्जा ने वापस रख दिए और प्रीति आके निकाल दिए कि मेरे को दे देते। प्रीति इशारों कर दिए जिज्जा ले तो लेता अमन गाड़ी में दे देता। क्यों जिज्जा कोसले में ना हमेशा गुड डे तिलक तिलक निकाल ले चप्पे चलो जिससे के पीछे हम ध्यान दे रहे हो अटे गिने लगेगी अटे गिनवा ला गया कत्ते की देख लियो सब देख सको आज चोरी कर ले अठे तो आज तो गाड़ी को भी वेट कर।
किशा, ओ किशा, ये मेरी साइकिल है। लोक कर रखे हैं, लोक की चाबी जेब जाप कर रखा मुझे, ये चाबी का दीदो की, बताओ। चिराना छोड़ के जाने का टाइम आ गया। अभी मामू सा और खुशबू मामी सा इनकी गाड़ी जाएगी, फिर पीछे पीछे हमारी गाड़ी भी निकलेगी इनके। ठीक है भाई, आप तो चल रहे हैं। आवाज आगे चल रही है। मेरे मामी सा आ रही हूँ मैं भी, सोनू जीजा बाय। तो ये गाड़ी हमारी निकल गई। चलो किशा अपन भी चलते हैं। ये गाड़ी बुआ तो प्रीति याद करेगी नहीं करेगी मुझे? याद अपन के करूंगी। क्यों? ये अत्तो ही प्यार होगी माना को। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आराम से जाओ, राजी खुशी, राजी खुशी पाचा राजी जी। अब कहा तो बताओ रानी जी, कहीं करना है आप तन? जियोगा क्यों को नहीं जियोगा? पुराना सूट ले आवांगा था तानी। तीर्था पर गए डर रानी जी, नए सूट ले आते सी पुराना तो के मांगा। हाँ। इका तो घना ही सूट आवा आजकल। पुराना मां सरोजतानी लेसी तू? इया के आपका बेटी तानी लेसी? हां हां, जितना भी पुराना उसी ना आपका। मैं सगड़ा आप तानी ले रहूंगी। तानी बेटी है इका चार चार चुकमा दे दी। यार मेरी मम्मी इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मतलब एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर रोने लग जाती है, और मेरे निकलने से तो बहुत ज़्यादा मम्मी दुखी हो जाती है। तो मैं हमेशा मतलब मेरी शादी को 8 साल हो गए, 8 साल में मैं जितनी बार भी चिराना से जयपुर आई हूँ ना, मतलब उतनी बार मैं ना कभी भी इमोशनल नहीं हुई। मेरे हमेशा ये रहता है कि यार हंसती खेलती मैं विदा हूँ नहीं तो मम्मी और ज़्यादा है ना रोने लग जाएगी। अभी भी मम्मी है ना, जब भी है ना मम्मी है ना रोने लग जाती है ना, पूरा घूंघट है ना नीचे निकाल लेती है। मम्मी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। किशा किधर हो? किशा बाय। ओए जिशा, ये क्या कर रहे हो? पटकोगे? ये इधर नानी से बाय कर रहे हैं आपको। किशा इधर देखो, इधर ए ओदू तो ठे उगियो, एक और बोल बढ़ लेती बोल। नहीं नहीं नहीं, कौन बढ़ने? आप पूछ जैसे थोड़ी देर में। ठीक है मम्मी, बाय कर दो बेटा। बाय किशा, बाय। इधर देखो। ठीक है मम्मी, बाय। ध्यान रख जो तेता को, और काम पूजा कनु करवा लीजो पूरो को पूरो घर को काम। जस्ट अभी काकी सा हुकुम और भाभा हुकुम भी सिकर से आए थे, और हमारा मिलना हो ही गया उनसे भी। भैया को कम से कम 2-3 घंटे हो गए इस पेड़े को बनाते हुए। मेरे को 10 बजे का बोला था, 1 बजे तक भी इनके पेड़े रेडी नहीं हुए। बोल दिया धान पेड़ा तो अच्छा जद कोई चढ़ रही तो थे कह रहे अभी 2 घंटा और लगेगा। नेक्स्ट टाइम आके था लेट जाऊंगा ना। थैंक यू सो मच आज का व्लॉग पूरा देखने के लिए। आई होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और मुझे पता ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कमेंट करके भी बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और आने वाले व्लॉग्स होने वाले अपने जयपुर के। बाय, गुड नाइट। I'm falling, facing it all, fearless.